motion. Students, Newton's second law of motion, this concept is board level, not a very high level, right? Just board level. Suppose you get a question in exam, define Newton's second law of motion. Define Newton's law. Define Newton's second law of motion. And deduce the formula for force. And deduce formula for force. Newton, deduce the formula for force. और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है. कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का. तो इसका लेंथ क्या होगा और उस 3 मार्क्स में क्या कंटेंट आपने डालना है वो मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉडी से एक क्रिकेट बॉल है, वो हमारे पास बैट्समैन ने हिट किया तो हमारे पास वो बॉल को आ रही है, तो उस बॉल की मोशन है तो उस बॉल का मोमेंटम है. तो उस बॉल का मोमेंटम है, हमने जब बॉल को फील्ड करके रोका तो हमने उसका मोमेंटम चेंज किया. तो मोमेंटम चेंज करने के लिए हमारे हाथों पर क्या लगी? फोर्स. तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. कौन सी प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. एनी क्वेश्चन? अब इसको हम डेफिनेशन को लॉक करके एक मार्क हमें मिल जाएगा एग्जाम में. कितने मार्क्स मिल जाएंगे? एक मार्क. अगर आपको डेफिनेशन आती है और आपने डेफिनेशन लिख दी तो आपको 3 में से 1 मार्क मिल जाएगा. अब आता है रिमेनिंग 2 पार्ट्स का काम. तो मैथमेटिकली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीडीटी ऑफ पी, ये बाय डेफिनेशन. अब पी कौन है? मोमेंटम. जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो के आएगा. के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. आपको मैं बता चुका हूं कई बार कि के डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन. पी इक्वल टू एम वी. P equal to mv. F is equal to k ddt of mv. If m is constant, then F is equal to k m out ddt of v. Ddt of v is called acceleration. So force is equal to k m a. Students, एक चीज मैं आपको clear कर दूँ. बहुत से लोग बोलते हैं force mass into acceleration. नहीं, this is the formula. F is equal to k ddt of mv. सिर्फ momentum change करने से force change बनती है और momentum हम velocity को भी change कर सकते हैं, mass को भी change कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं. वो मैं आपको एक note में बताऊंगा आगे कि अगर दोनों variable तो force का क्या concept आएगा. But plus one level पे हमने mass को constant रखना है और इसको बाहर निकालना है. F is equal to k m ddt of v और F is equal to k ma. अब students आगे चलते हैं. If F is equal to 1, M equal to 1, A equal to 1, K equal to 1, then F is equal to MA. तो इसके units क्या हुए? In CGS, mass 1 gram, acceleration 1 centimeter per second square, तो force क्या 1.9. तो force is said to be 1.9, which when applied on a mass of 1 gram, produces an acceleration of 1 centimeter per second square. और in MKS, mass 1 kilogram, acceleration 1 meter per second square, then force is 1 newton. 1 newton is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square. Force is said to be 1 newton when it is applied on a mass of 1 kilogram, produces an acceleration of 1 meter per second square. Students, ek cheez yaad rakhna, agar hum